बोलो महाराज जी, इस साल सावन में क्या तैयारियां की गई है? सावन में ये तैयारी की गई है, भक्तों को जो दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है, पूर्व द्वार से जो है लाइन से कतार से भगवान भोलेनाथ का जो है दर्शन करवाया जाएगा भक्तगणों को। शनिवार रविवार सोमवार को जो है यहाँ पे जो है कि जल की अर्घा लगाई जाएगी, जिससे दूध दही घी मधु शर्करा जो भी अर्पण करेंगे भगवान शिव जी तक अर्पण होगा। इस साल लगभग कितने श्रद्धालु आ जाएंगे? लगभग वही 80,000 से 1,00,000 एक माह के अंतर्गत ये मानते हैं। क्या मान्यता है हटकेश्वर महादेव मंदिर की? जी, इसमें तो देखिए कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ जो हटकेश्वर नाथ जो है स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू स्वरूप है। यहाँ ब्रह्मदेव राजा कलचुरी साम्राज्य के जो राजा थे यहाँ पे आए हुए थे शिकार के लिए, तो अचानक घोड़े के पैर में मूंछ लगने के कारण में जो है घोड़ा गिर पड़ा। राजा साहब को भी मूंछ लगा तो अपने मंत्री संत्रियों से कहा कि यहाँ क्या है, हटा कर देखो पत्ते रंगाड़ियों को। जब पत्ते रंगाड़ियों को हटाया गया वहाँ तो शिवलिंग दिखाई दिया, शिवलिंग दिखाई दिया तो ब्रह्मदेव राजा को अति प्रसन्नता हुई और उन्होंने नदी से जल ला करके भगवान शिव जी को अर्पण किया और उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे यहाँ पुत्र रत्न नहीं है, अगर आपके द्वारा अगर आपकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो जाती है तो 6 माह की रात्रि में इस मंदिर आपके लिए मंदिर का निर्माण करूँगा और पुष्कर में का जो मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा शिवरात्रि वह प्रारंभ करवाऊँगा। तो उनके यहाँ विगत कुछ वर्षों बाद जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बाजे गाजे के साथ आ करके यहाँ भगवान शिव जी का पूजा अर्चना करके यहाँ 6 माह की रात्रि में इस मंदिर का निर्माण करवाया। महाराज जी, कांवरिया के लिए, कांवरिया लोगों के लिए, भक्तों के लिए क्या व्यवस्था की गई इस वक्त? देखिए, भक्तों के लिए तो मैंने आपको बता चुका कि व्यवस्था ये है कि यहाँ दर्शन की व्यवस्था करवाई गई है और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगा उसके बाद भंडारे की भी व्यवस्था किया जाता है, भंडारे प्रसाद का दिया जाता है। लेकिन ये है कि कांवरियों के लिए जो है बोलबम समिति जो है यहाँ अखंड रामायण का आयोजन रखता है 1 महीने कम, जिसमें भोजन वगैरह का व्यवस्था रखा जाता है, आराम की व्यवस्था रखी जाती है, कांवर रखने की व्यवस्था रखी जाती है। ये तो व्यवस्था जो है अपने स्तर पे जितना अच्छा हो सकता है वो करते हैं। धन्यवाद।